वो जो सामने टंकी दिख रही है हमें वहीं पर पहुंचना है। यहाँ आकर किसी ने किवाड़ों पे पेंट करना शुरू कर दिया, तो किसी ने छत के ऊपर चिनाई करके ये गाटर रख दिया, तो किसी ने ये गड्ढा खोद कर तैयार कर दिया। अरे सॉरी माफ करना, ये जो जमीन में गड्ढा खोद रहा वो तो मैं खुद हूँ। वो बात अलग है कि मैंने अकेले ने ये गड्ढा नहीं खोदा है, ये जमीन बहुत ज्यादा कठोर है, इसलिए हम कितने बंदों ने थोड़ा थोड़ा करके इस गड्ढे को भी खोद कर रख दिया है। अब लगभग इस गड्ढे की खुदाई काफी हो चुकी है, सूरज भी ढलने लग गया है और हमें भी अब वापस अपने घर चलना चाहिए। मैं गन्ने का जूस पीने के लिए यहाँ रुका ही था, तभी मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए और इन भाइयों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वापस घर जा रहे हैं तो कम से कम गन्ने का जूस तो पीकर ही जाएंगे। भाई साहब गन्ने का जूस का इस टाइम सीजन चल रहा है और गन्ने का जूस पीने में बहुत अच्छा लगता है और गन्ने के जूस के 10 रुपए में ही गिलास आ जाती है। मैं काफी लेट हो चुका था और अब तक मैं अपने घर पे भी आ चुका था। घर पे आकर देखा तो मुझे मैगी बनी हुई मिली। मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही थी तो मैं फटाफट मैगी से ही रोटियां खाने लग गया। वो कहावत है ना कि भूख में गुल्लर भी पकवान होते हैं, इसलिए मुझे मैगी से रोटी खाना ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। वैसे आपको मैगी के साथ रोटी कैसी लगती है?